फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मटर पनीर की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और इजी है। इसके लिए मैंने ले लिया है चॉप्ड अनियन, जो मैंने दो लिए हैं, 1 इंच का मैंने लिया है अदरक, 3 से 4 मैंने लिए हैं लहसुन, और 3 से 4 ही मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। इसका मैंने चॉप करके एक पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई में तेल डालकर मैंने जीरा पॉपअप होने दिया है। जीरा जैसे ही पॉपअप होगा, हम इसमें अपना अनियन का जो पेस्ट है चॉप्ड, वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको गोल्डन या पिंक होने तक के लिए पकाएंगे। उसके बाद मैंने लिए हैं 4 टमाटर की प्यूरी, साथ ही मैं भूनूंगी 2 चम्मच बेसन, जिसको ज़्यादा भुनना नहीं है, बिल्कुल लाइट करना है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर और मिर्च। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं, जैसा कि आप स्पाइसी खाते हैं या लाइट खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। कसूरी मेथी डाली है मैंने 1 चम्मच के अराउंड। भुना बेसन डाल देंगे इसमें हम 2 चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे 1.5 ग्लास पानी अपनी ग्रेवी को जो है थिक करने के लिए। बेसन डाला है तो उससे हमारी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होगी। मटर जो है वो मैंने 1 कप लिए हैं, वो मैंने फ्रोज़न लिए हैं, तो आपको जैसे सूटेबल हो आप वो मटर यूज़ कर सकते हैं। इसको बॉयल आने तक के लिए मैं इसको ढक दूंगी, ताकि हमारे मटर भी जो हैं वो पक जाएंगे। इनको हमने ढक के कवर करके रख दिया है। मैंने लिए हैं 300 ग्राम पनीर, जिसको अब मैं फ्राई करूंगी। ये हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन करने हैं। सब्जी में बिल्कुल परफेक्टली उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मटर जो थे वो पक चुके हैं, पनीर अब तला हुआ जो है वो हमने बीच में डाल दिया है। जैसे ही बॉयल आने लगेगा सब्जी हमारी, हमें समझ आ गई है कि पक गई है। गार्निश करेंगे इसको धनिया से और सर्व करेंगे राइस और चपाती के साथ। लीजिए।